शनिवार को जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर 17,616 नागरिकों का कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 45 साल के ऊपर के 10,335 और 18 साल से ऊपर के 7,281 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए निसंकोच ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। सीएमओ ने बताया कि 45 साल के ऊपर के नागरिक नजदीक के पीएससी व सीएससी पर पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं तथा 18 साल के ऊपर के लोग ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के निर्धारित जगह पर पहुंचकर वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन करने वाले कर्मियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों तथा सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, फैसल नाम नहीं कोई नहीं, 45 प्लस वाले आ रहे हैं, 45 से 60 वाले यहाँ आराम से सब हो रहा, सब चीज में मतलब सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं जिनका डेट बढ़ गया, उसको कैसे समझा रहे हैं? उनको बताया जा रहा है कि 84 दिन बाद सेकंड डोज लग रहा है अकॉर्डिंग फर्स्ट डोज के जी। इस तरह के कोई मामले हो? नहीं नहीं सब कोई नहीं। मृदुला वर्मा के लोग आ रहे हैं, किसी तरीके की समस्या नहीं? नहीं। कोऑपरेट कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं? हाँ हाँ कर रहे हैं, सहयोग से कर रहे हैं। आप लोगों को कितना डर लग रहा है, कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? नहीं नहीं अब क्या, धीरे 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 डर खत्म हो गया। इतने दिन से काम कर रहे हैं तो कुछ तो डर खत्म होगा ही। अलक नंदा उपाध्याय। अलग नंदा जी, वैक्सीनेशन आप कर रही हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? बहुत सहजता से हो रहा है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तब तो अच्छे से हो जा रहा है। डर लग रहा है? नहीं डर क्या, डर स्टार्टिंग में लग रहा था मगर अब कम हो चुका है। अमित कुमार सिंह, पूरा घाट गोरखपुर से, कल ही कराया और आज आ गया नंबर। वैक्सीन हो गया जी? अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि मतलब कुछ कोरोना की मतलब लक्षण को हम कम कर सकते हैं, अगर वैक्सीन लग गया तो फिर हमारी थोड़ी सेफ्टी भी है। बाकी लोगों से क्या कहना? बाकी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो ये वैक्सीन है आप डरे नहीं इससे, आप इसको एक तरह से आप अपने साथ साथ अगर इस वैक्सीन को लगवाते हैं तो आप अपने फैमिली को और माहौल अपने आपका आसपास के लोगों को भी सुरक्षा दे सकते हैं और साथ में आप खुद भी इससे सुरक्षित रह सकते हैं। मुस्कान नारा। आज वैक्सीन लगा जी? कैसा?
बहुत अच्छा लगा, अपने आप को फ्री लग रहा है कि हम लोग सिर्फ बच रहे हैं COVID-19 से। बाकी लोगों को क्या कहना है? यही कहना चाहते हैं कि सब लोग लगाएं इसको, ताकि अपने आप को सुरक्षित रखें और आसपास के अपनी फैमिली मेम्बर्स सबको सुरक्षित रखें, सबको कहें सब लगवाएं। अर्चना राय जिम देवरिया से। हाँ जी ठीक लग रहा है वैक्सीन, काफ़ी डरे हुए थे लेकिन हो गया। बाकी लोगों को क्या कहना? बाकी लोगों से यही कहना चाह रही कि सब लोग वैक्सीनेशन करा लें, जब सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन से बच सकते हैं तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। आज 80 सेंटरों पर हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन कार्य चल रहा था, उसमें से 42 जगहों पर 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, बाकी पर 45 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 18 प्लस के वैक्सीनेशन में अभी पोर्टल से ही वैक्सीनेशन होना है, और 45 प्लस के लोगों का वो लोग पोर्टल पर वैक्सीन वो करके आए, और कुछ छूटे हुए अगर नहीं कर पाते हैं तो वो आएंगे तो हमारे सेंटर पर ही हमारे स्टाफ द्वारा उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, पोर्टल प्रिंटर हो जाएगा और उनका टीकाकरण हो जाएगा।